हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लुसेंट ऑब्जेक्टिव का एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। बस एंड ही होने वाला है, दो तीन वीडियो और लगेगा उसमें एंड हो जाए, क्योंकि इसमें ज़्यादा क्वेश्चन ही है। 237 क्वेश्चन है 2020 तक के। पता है पहले इस टॉपिक से उतने क्वेश्चन नहीं आते थे, लेकिन अब काफ़ी ट्रेंडिंग हो गया है, क्योंकि ज़रूरत भी है इस सब्जेक्ट को जानना। समझ में आया? क्योंकि जितना क्लाइमेट चेंज हो रहा है, एनवायरनमेंट में असर पड़ रहा है, तो इस सब्जेक्ट को जानना जरूरी है। इसलिए काफ़ी, और खासकर यूपीएससी, यूपीपीसीएस या जो बीपीएससी, ये सब तो बहुत ज़्यादा पूछते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उनका जॉब ही होता है उस लेवल का कि उनको सब कुछ जानना होगा। थोड़े से बैंक वगैरह में वो ये क्वेश्चन उतने नहीं आपको दिखते हैं। चलिए, लुसेंट ऑब्जेक्टिव का एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी 130 क्वेश्चन तक डिस्कस कर चुका, 133। या आप सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव कोर्स या जानना चाहते हैं, इस नंबर पे मैसेज कर लिए। चलिए देखो, इसका देखो 131 नंबर क्वेश्चन है। एक एक करके हम देखते हैं, एक एक ऑप्शन करके देखते हैं। पहला ऑप्शन है, इसमें से कौन सा करेक्ट है? ग्यूंडी नेशनल पार्क। ग्यूंडी नेशनल पार्क इज नोन फॉर टाइगर रिजर्व। नामदफा नेशनल पार्क इज मीन्ट फॉर लायन कंजर्वेशन। एक्चुअली यहाँ पे टाइगर रिजर्व है। जालदा पारा इज ए बायोस्फीयर रिजर्व। नहीं, ऐसा कोई बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। रन ऑफ कच्छ इज ए वाइल्ड एस सेंचुरी। करेक्ट है, ये करेक्ट है, ठीक है। मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ। यहाँ पे है गुंडी नेशनल पार्क, ठीक है ना, ये फेमस नहीं है लायन के लिए, ठीक है ना, याद रखना। ये प्रोटेक्टेड एरिया है, तमिलनाडु की चेन्नई में लोकेटेड है। उसके अलावे दो और नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है, मुखुर्ती नेशनल पार्क और गल्फ ऑफ मराइन नेशनल पार्क, इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा एक एक है जूलॉजिकल पार्क। तो नेशनल पार्क टोटल तीन है, लेकिन ये जूलॉजिकल पार्क है, क्रोकोडाइल बैंक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो कई है, मुदुमलाई, इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क, वीरामलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पॉइंट कैलिमर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, श्री विल्ला पुथूर सेंचुरी, बल्ला नारू ब्लैक बर्ग सेंचुरी है, कला काडू ब्लैक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब है। जो इंडियन वाइल्ड एस सेंचुरी है, जिसको हम वाइल्ड एस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बोलते हैं, ये लिटिल रन ऑफ कच्छ में है, गुजरात डिस्ट्रिक्ट में। ये इतने एरिया में स्प्रेड है। इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किया गया 1972 में, किस एक्ट के तहत? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो जितने भी ये प्रोटेक्टेड साइट है, उसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर ही किया जाता है साइन, इंक्लूड किया जाता है। जो नामदा नेशनल पार्क है ना, ये एक्चुअली टाइगर रिजर्व ही है। तो अगर वहाँ पे लायन के जगह पे टाइगर होता ना, तो आपको करेक्ट आंसर होता है। ये कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है ना। ये बॉर्डर किस किस बॉर्डर पे? यहाँ पे इधर है म्यांमार, और म्यांमार और इंडिया के बॉर्डर के बीच है। नामदफा नेशनल पार्क इसलिए इम्पोर्टेंट है, अरुणाचल प्रदेश में एक और नेशनल पार्क है, माउलिंग नेशनल पार्क। नामदफा नेशनल पार्क, माउलिंग नेशनल पार्क। नामदफा नेशनल पार्क इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जो दुनिया का चार जो स्पेसीज होता है ना बिग कैट पे, टाइगर, लियोपार्ड, स्नो लियोपार्ड और क्लाउडेड लियोपार्ड, ये चारों यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है ना। हुलॉक गिवॉन्स एक एकमात्र स्पेसीज इंडिया में है, वो इस नेशनल पार्क में मिलता है। एकमात्र ऐप की स्पेसीज इंडिया में है हुलॉक गिवॉन्स, और इंडिया में नामदफा नेशनल पार्क में मिलती है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो सारा क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन उठता है कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड फूड चेन जनरली हैविंग 3 to 4 ट्रॉपिकल लेवल। इसका एकमात्र काम है 10% रूल। 10% रूल क्या कहता है? 10% रूल करता है कि भाई इस लेवल, एक ट्रॉपिकल लेवल T1, ये है T2, T3। देखो T1 T2 को जितना एनर्जी, देखो T1 के पास जितना एनर्जी है 100%, उसका T2 उसका सिर्फ 10% ऑब्जर्व कर पाता है, 90% खत्म हो जाता है, इवापोरेशन वगैरह कुछ कुछ। इसका 10% है, तो ये सिंप, जैसे मान लो इसके पास 100 यूनिट है, तो ये 10 यूनिट, ये एक यूनिट, 0.1 यूनिट, 0.01 यूनिट। तो आपको नहीं लगता एनर्जी इतना ज़्यादा कम हो जाएगी कि कोई फायदा ही नहीं है, तो सस्टेन ही नहीं कर सकता है। मतलब ट्रॉपिकल, हाइयर ट्रॉपिकल लेवल पे जो होगा उनका एनर्जी इतना कम होगा कि वो अकेले रह ही नहीं सकते। तो क्या कारण है? 132 का कारण क्या बता दीजिए भाई? डिक्रीजिंग एनर्जी एट रीच लेवल। कितना? 10% रूल।
Which of the following is an example of terrestrial habitat? Terrestrial का मतलब देखो दो टाइप का होता है, terrestrial और एक होता है oceanic. Terrestrial का मतलब होता है एकदम जमीन. तो जमीन कौन सा है? लैंड बॉडी. लैंड बॉडी कौन सा है? ग्रास लैंड ही तो है. क्या लगून्स? लगून्स नहीं है भाई, लगून तो वाटर बॉडी है, पॉन्ड टाइप का है. स्वैम्प भी एक वाटर बॉडी है, पॉन्ड भी वाटर बॉडी है. तो ग्रास लैंड एकमात्र टेरिस्ट्रियल हैबिटेट है. ठीक है, हैबिटेट का मतलब जहाँ पे वो रहते हैं. कोई दिक्कत नहीं, 133 का हो गया. 134, Which country has become the second country in the world to declare the climate and biodiversity emergency? देखो पहला तो यूके था, सेकेंड कंट्री कौन था ये आपको बताना. ये एक्चुअली करेंट अफेयर्स में था, ये आयरलैंड था, ये आप ध्यान मत दीजिएगा, ये करेंट अफेयर्स था. ठीक है ना, रामसर कन्वेंशन टू विच इंडिया इज अ सिग्नेटरी. टोटल 42 साइट है जिनको हम रामसर साइट बोलते हैं. किसके प्रोटेक्शन के लिए है? किसके प्रोटेक्शन या उसके वाइज यूज के लिए? वेटलैंड के प्रोटेक्शन और उसके वाइज यूज के लिए. वेटलैंड, ठीक है ना, वेटलैंड के लिए इम्पोर्टेंट है. टोटल 42 साइट है. मैं आपको आपको पिछले एक क्वेश्चन में बता चुका था, इसमें पता नहीं वो कहीं लगे, लेकिन मैंने बताया था आपको पूरा. आपको 40 ये आ गया, ये है ना रामसर के 42 साइट, ध्यान देना 42 साइट है. क्लियर? यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखेगा एक बिहार का भी साइट है जिसको अभी अभी 2020 में किया गया है इंक्लूड. ठीक, कवरत्तल है बिहार में, अभी अभी हुआ है. सबसे ज्यादा यूपी में है एक्चुअली, याद रहे, सबसे ज्यादा यूपी में. कुछ स्टेट तो ऐसे हैं जहां पे बहुत है ही नहीं. देखो एक चीज आप देखोगे, तीन चार स्टेट को मिला दिया तो हम मेजोरिटी है, जैसे आपको जे एन के मतलब लद्दाख मिला के, उसके अलावा यहाँ पे आ जाओ पंजाब प्लस हिमाचल प्लस यूपी, यही है. ठीक है, तीन यहाँ पे भी है. चलिए, तो 134 हो गया, 135. सरिस्का टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? सरिस्का टाइगर रिजर्व हम सबको पता है राजस्थान में है. राजस्थान में सरिस्का ही नहीं है, सरिस्का के अलावे और है. यहाँ पे देखो, देयर आर द स्टेट हैज थ्री टाइगर रिजर्व. रणथंभौर टाइगर रिजर्व जहाँ कहाँ पे, सवाई माधोपुर में है. सरिस्का टाइगर रिजर्व अलवर में है. मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व कोटा में है. मुकुंदरा हिल्स, सरिस्का और उसके अलावे रणथंभौर है. ठीक है ना, क्लोज देखो, क्लोज ये जो मैप में निकाला, जो क्लोज ये मैंने गूगल से निकाला, क्लोज इन द सेंस कि इस समय क्लोज होगा, कोविड के समय की बात है. क्लियर, ये सरिस्का जो टाइगर रिजर्व है अरावली हिल्स में आपको मिल जाएगा. ठीक है, अलवर डिस्ट्रिक्ट में है राजस्थान में. यहाँ पे आपको रॉयल बंगाल टाइगर भी यहाँ पे मिलेगा. ठीक है, सरिस्का को टाइगर रिजर्व का दर्जा मिला था 1978 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर में. ठीक है, एक यहाँ पे फोर्ट है, ठीक है ना, क्या नाम है? कंकरवारी फोर्ट. इस रिजर्व के सेंटर में मिलता है, जिसको मतलब ऐसा बोला जाता है कि मुगल एम्परर औरंगजेब ने अपने भाई दारा सिको को इसमें बंदी बना के रखा था. ठीक है ना, इस रिजर्व में और एक लॉर्ड हनुमान का टेम्पल भी है. ठीक है ना, एट पांडुफोल, रिलेटेड टू पांडवा, ये इम्पोर्टेंट है. चलिए, इन जून 1920 सॉरी 2019 फिच मिनिस्ट्री, एक मिनिस्ट्री बनाई गई, वॉज क्रिएटेड बाई मर्जिंग, दो मिनिस्ट्री की मर्जिंग की गई, एक वाटर रिसोर्स रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजर्वेशन एक मिनिस्ट्री थी, और एक मिनिस्ट्री थी मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन. मेरे हिसाब से सही है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे काम थे जहां पे दोनों क्या हो गए थे, दोनों के काम मर्ज हो रहे थे. ठीक है ना, इसलिए दोनों को मिला दिया गया, जल शक्ति मिनिस्ट्री, जल शक्ति. ठीक है ना, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल ग्रीन हाउस गैस? ग्रीन हाउस गैस को आपको पता है क्या होता है, वो सन के द्वारा जो यूवी रेज आती है, सॉरी 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 कुछ भी बोल रहा हूँ. देखो सन के द्वारा जो रेडिएशन आती है वो शॉर्ट वेव होती है, शॉर्ट वेव.
तो उसके लिए ये ग्रीन हाउस गैस की जो लेयर होती है वो ट्रांसपेरेंट होती है, आने देती है ट्रांसपेरेंट। लेकिन जैसे ही ये अर्थ से टकरा के लौटती है, जिसको हम बोलते हैं टेरिस्ट्रियल रेडिएशन, टेरिस्ट्रियल रेडिएशन एक्चुअली लॉन्ग वेव होती है, लॉन्ग वेवलेंथ वाली, तो इसलिए ये इसको एब्जॉर्ब करके उल्टा फेंक देता है। तो जितना ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस होगा उतना ज़्यादा ये फेंकाएगा, उतना फेंकाएगा तो उतना गर्मी हमारे इधर होगी, उतना स्नो मेल्ट करेगा, उतना सी लेवल ऊंचा होता जाएगा, ठीक है ना। तो कौन सा इसमें ग्रीन हाउस गैस नहीं है? नेचुरल नाइट्रोजन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड फेमस, वाटर वेपर फेमस, मीथेन फेमस। इसमें से कौन सा नेशनल पार्क आपको मिलता है उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में कौन सा मिलता है? देखो हेमिस तो हमें पता है लद्दाख, दचिकम जेएन के, क्लियर। दुधवा एक्चुअली एकमात्र नेशनल पार्क है वो आपको यूपी में मिलेगा, ठीक है। वो कहाँ पे है? वो भी है दुधवा में। और था एक और ऑप्शन कौन था? वो तो पता ही है, वन भी है। कहाँ पे है? एमपी में है। तो कुछ देखो वैसे तो 104 नेशनल पार्क है, 104 नेशनल पार्क है, उसमें से कुछ नेशनल पार्क यहाँ पे दिया है। हेमीज देखता है, किश्तवाड़, ग्रेट हिमालय आपको मिलेगा हिमाचल प्रदेश में, वैली ऑफ फ्लावर कॉर्बेट आपको मिलेगा उत्तराखंड में, दुधवा आपको मिलेगा यहाँ पे, सरिस्का, रणथंबोर और डेजर्ट नेशनल पार्क आपको मिलेगा राजस्थान में, उसके बाद शिवपुरी, वन विहार, सतपुरा, पेंच, कान्हा, बांधवगढ़, ये सब मिलेगा आपको एमपी में, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क एमपी में ही है, सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क, सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व, सबसे ज़्यादा टाइगर, सबसे ज़्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सबसे ज़्यादा वो कहाँ पे है? रामसर साइट, सबसे ज़्यादा रामसर साइट है यूपी। और अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो सबसे ज़्यादा है अंडमान और निकोबार में। नेशनल पार्क एक्चुअली एमपी और अंडमान और निकोबार में बराबर है, लेकिन अंडमान और निकोबार में बराबर है 9, दोनों में 9 है। मतलब स्टेट पूछे तो एमपी, यूटी पूछे तो आप अंडमान और निकोबार नेशनल पार्क में, ठीक। और इसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूछो तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे? सबसे ज़्यादा है अंडमान निकोबार में, लेकिन अगर स्टेट की बात करें तो महाराष्ट्र आता है। चलिए, द स्टडी ऑफ हो गया, द इंट्रैक्शन बिटवीन अल्गी एंड फंगाई टू फॉर्म लाइकेन। देखो अल्गी और लाइकेन ये दोनों का क्या कौन सा रिलेशन होता है? सिम्बायोटिक रिलेशन होता है। सिम्बायोटिक रिलेशन मतलब एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं, एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं, क्लियर। एक तरफ एल्गी क्या करते हैं आपको पता है? ऑटोट्रॉफ होते हैं, ऑटोट्रॉफ, ऑटोट्रॉफ ऑब्वियसली खाना बनाएंगे, खाना बनाएंगे तो क्या करेगा? इसको खाना प्रोवाइड करेगा, ये इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, ऐसे ही तो होता है, एक दूसरे को खाना, एक दूसरे को फायदा। तो इसको हम बोलते हैं म्यूचुअलिज्म, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का, सिम्बायोसिस का एक और नाम म्यूचुअलिज्म भी है, ठीक है ना। द एक्चुअल लोकेशन और प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव, कहाँ पे? उसको सिंपल हैबिटेट बोलते हैं, जहाँ पे वो रहते हैं उसको हैबिटेट बोलते हैं, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, हैबिटेट, ठीक है। द स्टडी ऑफ रिलेशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट ऑफ देयर सराउंडिंग इज कॉल्ड, इसको इकोलॉजी बोलते हैं। जब एनिमल और प्लांट्स के बीच क्या होता है रिलेशन, उनके सराउंडिंग में, उनके सराउंडिंग में, यूपीएससी में पूछा हुआ था, भी यूपीएससी में भी पूछा हुआ था, तो ऐसे 2017 या 18 में, मतलब इसके तो बाद ही। तो देखो सेम स्टेटमेंट, देखो ये एक्चुअली उसमें पूछा हुआ था कि इकोलॉजी का इनमें से कौन सा डेफिनेशन सबसे सुटेबल है, तो उसमें से ये एक डेफिनेशन ये भी है, मतलब द स्टडी ऑफ रिलेशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट टू देयर सराउंडिंग, टू देयर सराउंडिंग, ये इम्पॉर्टेंट है, सिंपल रिलेशन नहीं। द इंटरनेशनल सोलर अलायंस वॉज लॉन्च एट यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस, क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस इन 2000, जो पहली पेरिस क्लाइमेट चेंज का मीटिंग हुआ था वहीं पे। अलायंस इंक्लूड ऑल द मेंबर कंट्री ऑफ द यूनाइटेड, नहीं, ऑल द मेंबर नहीं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कैप्रिकॉन के बीच में, तो ये वन करेक्ट है। देखो इंटरनेशनल सोलर अलायंस किसके द्वारा लॉन्च किया? दो लोग के द्वारा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मोदी जी और फ्रांस के प्राइम प्रेसिडेंट इमानुअल मैक्रोन के द्वारा, और उस समय COP 21 की मीटिंग हो रही थी, और
ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है कि कॉमन चैलेंज को क्या करेंगे, एड्रेस करेंगे और स्केल अप करेंगे सोलर एनर्जी को। मेंबर अभी तक 87 मेंबर हो गए, आप मुझे बताना कि इसके बाद भी कोई साइन किए हैं, मतलब इसके बाद साइन किए होंगे तो आप मुझे बता देना। वैसे 87 कंट्री था निकॉन का गोवा, इसके बाद कौन हुआ मतलब मुझे बता देना। ये है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न, क्योंकि यहाँ पे सनलाइट ज़्यादा आता है ना, क्योंकि आपको पता है अर्थ कुछ इस तरह से मूव करता है कि सन उसके इधर से इधर नहीं जा पाते और इधर से नीचे नहीं जाते, ऐसे 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 होते रहते। ग्रेटा थनबर्ग एक टीनेज थी, इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट, वो न्यूज में थी। वो कहाँ से बिलोंग करती है, ओबियसली स्वीडन। द सोर्स ऑफ एनर्जी डैट कॉजेज लीस्ट ग्लोबल वार्मिंग, सबसे कम ग्लोबल वार्मिंग कौन करता है इसमें से, ये बताना है आपको। देखो ये तो हमें साफ साफ पता है भाई, जियो थर्मल मतलब धरती के अंदर से गर्मी, इसके गर्मी से कोई आप एनर्जी जनरेट करते हो तो ये बिल्कुल प्योर है ना भाई, ये एकदम क्लीन और सस्टेनेबल है। जो मेजॉरिटी ग्लोबल वार्मिंग करता है वो कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, यही करता है, यही तीन, ठीक है ना। 98% मतलब यही यही तीनों क्या करते हैं, CO2 को एमिट करते हैं, 98%। गांधी सोलर पार्क कहाँ पे स्टाब्लिश किया गया है, गांधी सोलर पार्क ये हम सबको पता है, एक्चुअली वहाँ पे मीटिंग हो रही थी तो न्यूयॉर्क में किया गया, ठीक है, वो UN के हेडक्वार्टर के पास। Which one of the following is a nodal agency of India for a United Nation Environment Program? United Nation Environment Program जो है UNEP, अब इसका हेडक्वार्टर बताना मुझे, बता सकते हो आप लोग आराम से। इसका इंडिया में, देखो इसका नोडल एजेंसी इंडिया में कौन है, कि इसके द्वारा मतलब बताए गए, सजेस्ट किए हुए काम को इम्प्लीमेंट करता है हमारे यहाँ कौन सी मिनिस्ट्री, तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, यहाँ पे देखा आता हूँ। नहीं ये तो मैंने UNCCD का कर लिया, इसका भी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का भी यही है, ठीक है ना, मैंने गलती से दूसरा पिक मैंने डाल दिया है, लेकिन इसका भी एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भी है, UNCCD का भी यही है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बेट डिजर्टिफिकेशन का भी यही है। चलिए 151 हो गया। इंडिया इज, देखो वो भी क्वेश्चन है, मतलब उसका मैंने डालना भूल गया, देखो ये CDS में पूछा हुआ था, इंडिया इज अ सिग्नेटरी टू द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू द कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। हाँ चलो है कि नहीं देख लेते हैं, इंडिया सिग्नेटरी है। सेकंड ऑप्शन क्या लिखा है कि मिनिस्ट्री ऑफ, देखो ये आप आराम से गेस कर सकते हो कि भाई यहाँ पे डिजर्टिफिकेशन वगैरह हो रहा है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड इशू, होम अफेयर्स मिनिस्ट्री क्यों करने आएगी, ये तो दो ऑप्शन सीधा गलत है, तो आप ए को लिख सकते हो, क्योंकि इंडिया ऐसे काम जो नोवल कॉज होते हैं, नोवल कॉज उसमें इंडिया पीछे नहीं रहता, तो इसमें आप आराम से लगा सकते हैं, हाँ ये सही है, ठीक है ना, यहाँ देख सकते हो यूनाइटेड नेशन। इंडिया ने मतलब सिग्नेचर के लिए लाया 1994 में, फोर्स में आ गया 1996 में, इंडिया रेटिफाई कर चुका है 1996 में ही, ठीक है ना। इनका के काम क्या काम है, डेजर्टिफिकेशन को कॉम्बेट करना, इवन ड्रॉट को भी कम करना, जितना कम से कम है। फूड चैन क्या है बताइए, फूड चैन में क्या होता है, सिंपल रिलेशनशिप बिटवीन ऑटोट्रॉपिक, नहीं भाई सिर्फ ऑटोट्रॉपिक, तो हम फूड चैन में क्या कर रहे हैं फिर, तो ये ऑप्शन गलत। एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू, और नहीं, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल नहीं, इसको तो जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलेंगे ना। पैसेज ऑफ फूड, फूड या एनर्जी फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर, तो ये मुझे लग रहा है कि काफी प्रोबेबल डेफिनेशन है, तो चलिए इसको हम मार्क कर लेते हैं। मॉडर्न एंटरप्रेन्योर एस्टैब्लिशमेंट प्रोवाइड फूड आउटलेट, नहीं, ठीक है ना, ये तो भाई वो इसका बात कर रहा है, जैसे फूड आउटलेट नहीं होते, जैसे मैकडी वगैरह इस टाइप की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो पैसेज ऑफ फूड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर, इस तरह के फूड चैन, ठीक है ना, ये प्लांट है, प्लांट को हर्बीवोर, इसको क्या करते हैं कार्निवोर खा जाते हैं, इसको ये खा जाते हैं, फिर इसको खा जाता है, फिर इसको कोई खा जाता है, ये फूड चेन, ये एक पाथ एनर्जी का होता है, लेकिन हमारे एनवायरनमेंट फूड चेन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि अगर मान लो ये गायब तो पूरा फूड चेन ब्रेक, लेकिन एनवायरनमेंट ऐसा नहीं चाहेगा कि सिर्फ एक जानवर के मरने से हमारा पूरा एनवायरनमेंट, पूरा सिस्टम ही ब्रेक हो जाए, इसलिए हमेशा फूड वेव होता है, ठीक है ना, जैसे इसको खाने वाले एक नहीं होंगे, 10 होंगे, ऐसे ऐसे, इसको खाने वाले फिर ऐसे 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 बहुत सारे होते हैं, ठीक है।
व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, कौन सा इसमें ग्रीन हाउस गैस नहीं है वो बताना आपको। CO2 है, CH4 है, नाइट्रोस ऑक्साइड है मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, O2 नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, तो ये आंसर होगा, ठीक ना। मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी आपको कहाँ पे लगता है, कहाँ पे होगा? देखो सेम क्वेश्चन कई सारा पूछा हुआ है, देखो UPPCS में PCS लेवल के एग्जाम होते हैं और वहाँ पे आराम से गेस कर सकते हो, आराम से मतलब आप देखो आराम से सॉल्व कर सकते हो सारा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं था, इतना आसान क्वेश्चन था। द मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी कहाँ पे होगी आपको? भाई हम सबको पता है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है, यहाँ पे तो कोई मतलब है ही नहीं कि आपको नहीं पता, ठीक है ना। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ फर्टिलाइजर, आप फर्टिलाइजर को बिना मतलब के यूज कर रहे हो, बिना मतलब के यूज कर रहे हो, तो इससे क्या होगा? क्या आपको लगता है सिर्फ सॉयल पोल्यूशन होगा? हाँ बोल भाई, मैं सॉयल में डाल दे रहा हूँ, ठीक है। क्या फर्टिलाइजर सिर्फ सॉलिड वाला को बोलते हैं? मैं ऐसे फर्टिलाइजर डाल रहा हूँ जो मैं पानी में मिला के डाल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो वो तो एयर में भी जाएगा, एयर पॉल्यूशन हुआ। फर्टिलाइजर मैंने डाला, चलो सॉलिड वाला ही डाला, बारिश हो गई, यहाँ से पानी में चल के नदी में चली गई, रिवर पॉल्यूशन हुआ यानी वाटर पॉल्यूशन हुआ, तो सारे के सारे पॉल्यूशन होंगे, ठीक है ना। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, कौन सा इसमें आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है? देखो कौन सा आपने खुद बनाया है, फॉरेस्ट आपने खुद नहीं बनाया, लेक भी नहीं, ग्रास लैंड भी नहीं, राइस फील्ड आपने बनाया, ठीक है ना। राइस फील्ड क्या है? राइस फील्ड है आर्टिफिशियल, वो अलग बात है, बहुत सारे लेक मैनमेड होते हैं लेकिन लेक कुछ समय बाद खुद से सस्टेन करने लगते हैं, ठीक है ना। चलिए 157 हो गया, अब 158, तो ये सारे देख रहे हो सिंपल, एक साल में पूछा गया क्वेश्चन है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट सिक्वेंशियल फेज ऑफ सक्सेशनल डेवलपमेंट ऑफ वेजिटेशन कम्युनिटी इन ए हैबिटेट, भाई बहुत आसानी से इसको आप कर सकते हो, ध्यान देना मैं एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले क्या होते हैं, देखो कोई सक्सेशन का मतलब क्या हुआ कि कहीं से कोई आता है फिर वहां पे जाके अपने आप को स्टेबलाइज, जैसे आप किसी इन्वायरमेंट के में गए बाद में स्टेबलाइज कर दूँ, तो भाई स्टेबलाइजेशन प्रोसेस तो सबसे लास्ट में हुआ है ना, कि आप अब एकदम रिलैक्स हो गए कि भाई अब तो मुझे कोई नहीं करेगा, इस इन्वायरमेंट के लायक मैं बन गया हूँ, स्टेबल बन गया हूँ, तो आंसर तो आप इसी से निकाल लेते। लेकिन सबसे पहला प्रोसेस होता है न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का मतलब जस्ट स्टार्ट हुआ अभी, उसके बाद माइग्रेशन, माइग्रेशन हो करके आप आओ, जैसे माइग्रेशन करके आप आए किसी इन्वायरमेंट में, तो वहाँ पे जो कुछ ना कुछ पहले से रहा होगा वो आपसे रिएक्शन करने लगेगा कि भाई तुम क्या यहाँ पे क्या करना है, भाई भागो। तो पहले न्यूट्रिशन, फिर माइग्रेशन, फिर रिएक्शन, फिर स्टेबलाइजेशन। आप आंसर सिंदर पहले स्टेबलाइजेशन को देख के कर सकते हैं कि ये वो फेज आ गया क्लाइमेक्स फेज, कि भाई इसको अब जो इस इन्वायरमेंट में आ गया अब इसको हटाना बहुत टफ हो जाएगा, तो न्यूट्रिशन। इंडिया ने लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी को मतलब इंडिया ने एम किया है कब तक ये कर लेगा, इंडिया का लैंड की जो डिग्रेडेशन है उसकी न्यूट्रल हो जाएगा वो कब तक होगा, ये आपको बताना है। ये ऑप्शन कौन कौन है देख लीजिए, 2025, 2030, 35, 40, एक्चुअली 2030 है, ये एक्चुअली करेंट अफेयर्स में था उस समय, इसमें कोई दिक्कत नहीं। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया में कॉम्बिनेशन विद सेल ऑफ द रूट ऑफ, देखो ये भी कितना आसान क्वेश्चन है, UPPCS में पूछा हुआ है, तो यूपी देखो आप कोई भी एग्जाम है आप इन्वायरमेंट का बस आप क्या करना, ये 237 क्वेश्चन है ना इसको कर लो, और उसके बाद मैं एक्स्ट्रा फैक्ट मैं बताता हूँ वो कर लो, और उसके बाद करेंट अफेयर्स में जो आ रहा है आपको टाइगर रिजर्व वगैरह वो कर लो, फिर आपको नहीं जरूरत होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या, व्हाई डज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोमोटेड द यूज ऑफ नीम कोटेड यूरिया, नीम कोटेड यूरिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इतना ज्यादा प्रोमोट क्यों कर रही है? मैं एक एक स्टेटमेंट देख रहा हूँ, जैसे UPSC का क्वेश्चन आया ना, एक एक स्टेटमेंट देखो, ठीक है। रिलीज ऑफ नीम ऑयल इन द सॉयल इंक्रीजेज नाइट्रोजन फिक्सेशन बाई सॉयल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, भाई इस पे इतना ज़्यादा डिस्कशन अभी तक नहीं हुआ है, मतलब हमें नहीं पता कि यार यूरिया के ऊपर नीम कोट कर देने से नीम ऑयल बहुत ज़्यादा सॉयल में आएगा और नाइट्रोजन फिक्सेशन बहुत ज़्यादा होगा, मतलब इस पे इतना ज़्यादा डिस्कशन नहीं हुआ, हमने नहीं सुना। देखो नेक्स्ट, ये पहले डी ऑप्शन है, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वीडिसाइड एंड फर्टिलाइजर फॉर ए पर्टिकुलर क्रॉप, देखो काफी
ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि ये सही होगी, मतलब मुझे लगता है, चलो एक मान लेते हैं, मतलब इसको नकारा नहीं जा सकता कि चलो नीम में वीडिसाइड होते हैं और नीम थोड़ा बहुत फर्टिलाइजर का भी काम करता है जो पर्टिकुलर क्रॉप के लिए काम कर सकते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड हुज इज अ ग्रीन हाउस गैस इज नॉट एट ऑल रिलीज विद एटमोसफेयर। भाई मतलब ये तो बिल्कुल गलत बात है, कोई भी फर्टिलाइजर होगा, कितना भी अच्छा फर्टिलाइजर ले लो, आप उसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को रिलीज, नाइट्रस ऑक्साइड रिलीज होगा ही होगा, N2O होता है एक्चुअली, N2O, ठीक है ना। तो सी तो सिंपल गलत है, सी और ए गलत। अब देखो डी भी मुझे लगता है सही है, बी देखते हैं। नीम कोटिंग सोज डाउन द रेट ऑफ डिजोल्यूशन ऑफ यूरिया इन द सॉइल स्लो स्लो। अब देखो ये मुझे थोड़ा सा ज़्यादा सही लगता है कि नीम की कोटिंग कर देने से क्या होगा, जो डिजोल्यूशन जो होगा ना पानी में, पहले क्या हो जाता था जैसे रखते थे पूरा डिजोल्व हो जाता था, ये बहुत स्लो होगा, स्लो होने से ज़्यादा दिन तक फायदा करेगा, ज़्यादा दिन तक फायदा करेगा। तो ये बी ए स्टेटमेंट, एक्चुअली बी ए स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि इस पे हमें देखो किसी पर्टिकुलर क्रॉप के लिए इतना ज़्यादा नीम कोटिंग प्रोजेक्ट चलाना है, मुझे नहीं लगता कि ये मतलब ये नहीं कर सकते, मतलब एक पर्टिकुलर क्रॉप के लिए इतना ज़्यादा व्यवस्था, ठीक है, नहीं कर सकते, बी करेक्ट है। और इसमें और भी फायदे हैं इसके नीम कोटिंग के, कि पहले क्या होता था यूरिया का, यूरिया हमारी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इस पर सब्सिडी देती है, तो इसका ब्लैक मार्केटिंग हो जाता था, लेकिन ब्लैक मार्केटिंग मतलब दूसरे देश में बेचा जाता था जिसका उसका फ़ायदा होता था, बस किसी और सेक्टर में ले जाते थे उसका यूज, लेकिन नीम कोटिंग से उसका वो काम भी धंधा बंद हो गया, तो नीम कोटिंग से ये भी फायदा हो गया, और नीम से हमारा अपना ओरिजिनल वीडिसाइड का काम करता है थोड़ा बहुत, ये मानो या ना मानो वीडिसाइड का तो काम करता है नीम, ठीक है ना, इवन फर्टिलाइजर का भी काम करता है थोड़ा बहुत। हुइच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन हाउस गैस इज लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन इन द एटमोसफेयर। मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि पावरफुल कौन है, पावरफुल सबसे ज्यादा कौन है, यहाँ पे पूछा था कि सबसे ज्यादा परसेंटेज में कौन है, तो कार्बन डाइऑक्साइड ही है, ठीक है ना। तुलसी प्लांट हैज ए मेडिसिनल वैल्यू ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, तुलसी प्लांट में जैसे मैं एसिड एंड बेस वाला चैप्टर आपको पढ़ा रहा था तो वहां पे मैं ये बताया कि तुलसी प्लांट में क्या मिलता है, तो तुलसी प्लांट में क्या मिलता है ये आपको बताना है। तुलसी प्लांट मैं ऑप्शन बता देता हूँ, इन ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड, फेनॉल्स एंड फ्लेवोनॉइड्स, नन ऑफ दिस। तो फेनॉल्स वगैरह मिलता है या फ्लेवोनॉइड्स मिलता है, ये ध्यान रखना है आपको। ये देखो ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल रेयर क्वेश्चन नहीं, ये फेमस क्वेश्चन है, ये सब इतने फेमस है कि अब रिपीटेड होते हैं। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, हम सबको पता है देहरादून, इकोसिस्टम के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सबसे फेवरेबल, सबसे अच्छा है, देखो सबसे अच्छा है स्टेटमेंट कौन सा, इकोसिस्टम, देखो प्राइमरी कंज्यूमर आर लीस्ट डिपेंडेंट अपॉन प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर आर लीस्ट डिपेंडेंट, देखो सबसे पहले प्रोड्यूसर और उसके बाद ही तो प्राइमरी कंज्यूमर आते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, ये पेड़ पौधे, ये मान लो हिरन वगैरह, तो ये तो डायरेक्टली, जैसे ये है थोड़ा सा मान लो गोट, तो ये तो डायरेक्टली पत्ती वगैरह खाते हैं, तो ये तो हाईली 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 डिपेंडेंट हो गया ना भाई, तो ये तो ऑप्शन गलत है। प्राइमरी कंज्यूमर और आउट नंबर प्रोड्यूसर, देखो प्रोड्यूस नहीं, गोट से क्या प्लांट से ज्यादा होता है, नहीं ऐसे नहीं, तो मान लो ये छोटे छोटे घास है, घास से ज्यादा होंगे गोट, नहीं, प्रोड्यूसर आर मोर देन प्राइमरी कंज्यूमर, भाई ये स्टेटमेंट करेक्ट है, प्रोड्यूसर ज्यादा होंगे भाई, तभी तो एक बकरी 10-15 घास खा जाता है। सेकेंडरी कंज्यूमर आर लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल, नहीं लार्जेस्ट तो नहीं होगा और मोस्ट पावरफुल नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये इससे ऊपर आते हैं टाइगर वगैरह। द ऑर्गेनिज्म हुज फीड ऑन वेस्ट प्रोडक्ट आर कॉल्ड फीड, जो वेस्ट प्रोडक्ट में क्या करते हैं, खाते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं ये बताइए, 166 नंबर का क्या आंसर होगा, इसको हम बोलते हैं डेट्रीवोरस, डेट्रिटस पे नहीं खाते थे, डेट्रीवोरस पे बोलते हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट जो पत्ती वगैरह को तोड़ मरोड़ता है उसको बोलते हैं, ठीक है। विथ रेफरेंस टू द यूट्रोफिकेशन, यूट्रोफिकेशन में क्या होता है, जब वाटर में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट जमा होते हैं, न्यूट्रिएंट जमा हो जाते हैं, तो इट इज़ अ फिनोमेना ऑफ न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट ऑफ ए वाटर बॉडी, हाँ भाई बहुत ज़्यादा इन न्यूट्रिएंट आ जाएगा, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट आ जाएंगे, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट आ जाएंगे, तो वहाँ पे क्या हो सकता है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे, ऑर्गेनिज्म,
तो ऑर्गेनिज्म आएंगे क्योंकि उनको न्यूट्रिएंट मिला। तो ऑर्गेनिज्म ऐसा थोड़ी है सिर्फ न्यूट्रिएंट से काम चला लें भाई, उसको ऑक्सीजन भी चाहिए। तो इस वाटर बॉडी के ऑक्सीजन को डिप्लेट कर सकते, ख़त्म कर सकते, काफ़ी ज़्यादा कम कर सकते हैं, समझ में आया ना? तो ये 1 एंड 2 दोनों करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है ना? मीना माता डिजीज किस वॉज कॉज बाई ईटिंग फिश व्हिच हैज हाई लेवल ऑफ, क्या थे उसमें भाई? मर्क्यूरी थे, ये तो हम सबको पता है, इतना फेमस क्वेश्चन है। मैक्सिमम ओजोन डिप्लेशन हैज ऑब्जर्व, मैक्सिमम ओजोन डिप्लेशन कहाँ पे हुआ था? सदर्न पोल पे हुआ था, अंटार्कटिका पे हुआ था, लेकिन अब ऐसा बोला जाता है कि वो रिकवर कर रहा है, ठीक है ना? अब बोला जा रहा है, अभी रिपोर्ट आया था कुछ समय पहले, कि वो क्या हो रहा है, रिकवर कर रहा है। रेड डेटा बुक किसके लिए है? मतलब एनिमल जो डिस एक्सटेंशन पे है या इंडेंजर पे है, ये भी, ये सब रेड डेटा बुक कौन रिलीज करता है? रेड डेटा बुक रिलीज करता है IUCN, ठीक है ना? IUCN। इसका इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे आपको बताना है? स्विट्जरलैंड में। कौन सा जगह है? ग्लैंड। हुई जो तो फॉलोइंग है सोल्यूबल इन रेन वाटर कॉज एसिडिक, मतलब जो रेन वाटर में मिक्स्ड कर जाता है और उसके बाद एसिडिक बना देता है, उसको कौन सा गैस वो है? वो एक्चुअली है सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। दो चीज़ें, SO2 और NO2, इन दोनों से एसिडिक रेन होते हैं, एसिड रेन, ठीक है? ठीक, इतना तक ही रहने देते हैं हम, ठीक है ना? चाहे इसमें हम 175 तक कर लेते हैं एटलीस्ट, क्योंकि फिर हमारा 237, 175, तो बच जाएगा 37, 25, एक वीडियो में ही हम कर लेंगे। इन्वायरमेंट मॉडिफाइड बाय ह्यूमन एक्टिविटी, ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा जो इन्वायरमेंट को मॉडिफाई किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? उनको हम एंथ्रोपोजेनिक इन्वायरमेंट बोलते हैं या एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी बोलते हैं। आसान क्वेश्चन है, एंथ्रोपोजेनिक ऐसे नहीं बोलते, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी या मैन मेड एक्टिविटी। इंडियन राइनो इज अ प्रोटेक्टेड इन, कहाँ पे है भाई? काजीरंगा नेशनल पार्क, फेमस काजीरंगा नेशनल पार्क में सबसे कहाँ पे है? आसाम में सबसे ज्यादा इंडियन राइनो वही है। इंडियन राइनो कौन है? वन हॉर्न राइनो, वन हॉर्न राइनो। क्या सिर्फ इंडिया में? नहीं, इंडिया में नहीं है, ठीक है ना? और गिर नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है? लायन के लिए फेमस है, ठीक है ना? कॉर्बेट नेशनल पार्क आपको पता है, जिसको जो फर्स्ट टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया था इसको, ठीक है ना? उत्तराखंड में है, ठीक है? नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इज ट्रू अबाउट एनर्जी फ्लो ऑफ इकोसिस्टम। एनर्जी फ्लो, एनर्जी फ्लो का मतलब सिंपल बोल सकते, एनर्जी डिक्रीज सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर का है, उसके बाद कंज्यूमर का है, उसका डीकम्पोजर का है, ठीक है ना? 174 भी हमने करेक्ट कर लिया। ग्रीन हाउस गैस व्हिच इज प्रेजेंट इन हाईएस्ट क्वालिटी इन एटमोसफेयर, सबसे ज्यादा क्वांटिटी में कार्बन डाइऑक्साइड। देखो सेम क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है। द गैस व्हिच इज इमिटेड इन द पैडी फील्ड, पैडी फील्ड या कोई भी स्वैम्प रीजन होगा ना, वहां से गैस रिलीज होगा। कोई भी पैडी फील्ड या वहां स्वैम्प रीजन या थोड़ा पानी वाला रीजन होगा, जैसे वेटलैंड साइट वगैरह में आपसे सिंपल पूछ सकता है कौन सा गैस रिलीज होता है? मिथेन। ह्यूमन एक्टिविटीज डेट कॉज क्लाइमेट चेंज इन द अर्थ इंक्लूड बर्निंग ऑफ फॉरेस्ट, यूज ऑफ एरोसोल्स कैंस, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। इसमें से कौन से एक्टिविटी होते हैं जो ह्यूमन एक्टिविटी है और एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं, ये बताना है आपको। इसमें से सारे हैं, फॉरेस्ट को जला देते हैं तो गलती से बहुत ज़्यादा लग जाता है आग। एग्रीकल्चर जैसे ब्राज़ील में हमने सर्वे हुआ था कि फॉरेस्ट में जानबूझ के अमेजोन में कुछ कुछ जगह पे आग लगाते ताकि जला के फिर खेती किया जा सके उनके पार्ट पे, ठीक है ना? एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, एरोसोल कैन को यूज करके, ऑल ऑफ द एवन, ठीक है? ठीक है, नेक्स्ट है, व्हिच क्रॉप बींग टू द फैमिली यूरोबायसी इज नोन एज प्रोड्यूसिंग। देखो बायोडीजल के लिए आप सिंपल याद कर सकते हैं, मतलब आपको पता भी नहीं रहेगा कि किस फैमिली का है, आप गेस कर सकते हो कि भाई हमने सुना है कि बायो डीजल बनाने के लिए कौन सा यूज किया जाता है। हमने सुना है कि बायो डीजल बनाने के लिए जाट्रोपा प्लांट को यूज किया जाता है, तो हम सिंपल कर देते, तो वही करेक्ट आंसर था, ठीक है ना? ये करेंट अफेयर्स का है बिल्कुल, कि पहली इंडियन एयरलाइन कंपनी बनी जिन्होंने बायोफ्यूल को यूज किया एज ATF इन अगस्त 2018। तो देखो ये एक्चुअली दिसंबर वगैरह में एग्जाम हुआ था आई थिंक, और इसका रिजल्ट आया है अभी कल परसों, ठीक है ना? दिसंबर में हुआ था, मुझे याद नहीं वैसे। ATF
2018। तो कौन सा रेलवे लाइन था ये आपको बताना है, कौन सा रेलवे लाइन था, ये था स्पाइस। कौन सा इसमें फॉलोइंग वेल नोन एग्जाम्पल ऑफ बायो इंडिकेटर, देखो एयर पॉल्यूशन के बायो इंडिकेटर कौन है ये बताना है। बायो इंडिकेटर लाइकेंस है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, लाइकेंस है, आपको याद रखना होगा लाइकेंस। लाइकेन किस चीज के मिलते हैं, एल्गी और फंगस के सिम्बायोसिस रिलेशन पे मिलते हैं। लाइकन्स को देखो, लाइकन्स को ज़्यादा एयर पोल्यूशन प्रेजेंट नहीं है, पसंद नहीं है, तो जहाँ पे ज़्यादा होगा वहाँ पे लाइकन नहीं होंगे। लाइकन जहाँ पे रहता है वो थोड़ा सा साफ हो जगह होता है। ग्लोबल वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम 2017 विटनेस द रिलीज ऑफ हुज डॉक्यूमेंट, मतलब उन्होंने कौन सा डॉक्यूमेंट रिलीज किया, नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्रोग्राम, सिक्योर हिमालय या दोनों, ये बताना है आपको। ये भी एक्चुअली करेंट अफेयर्स था, तो ये है नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्रोग्राम में करेंट अफेयर्स था, ठीक है। हाँ, एमोंग द मैथमेटिकल इंडिसेस फॉर द मीजरिंग बायोडाइवर्सिटी हुच वन शोज द मीन्स हुच वन शोज द मीन स्पेसी डाइवर्सिटी इन ए हैबिटेट एट द लोकल स्पेसी, कौन सा इंडेक्स बताता है इसके बारे में, ये बताना है आपको। ये अल्फा इंडेक्स है एक्चुअली, चलो इसके बारे में और भी मैं किसी क्वेश्चन में बता दूंगा, ठीक है ना। एसिड रेन कौन से रेस्पॉन्सिबल, कौन दो गैस, NO2 और SO2, ठीक है ना। हुच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रोज इन नॉन फॉरेस्ट एरिया हैज ओमिटेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ ट्रीज इन द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, पहले जो फॉरेस्ट एक्ट था ना, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 में, इसको एज ए ट्री डिक्लेयर किया जाता था, तो उसको काटना वगैरह भी बहुत ज़्यादा टफ था, तो इसको अब एज ए ग्रास डिक्लेयर किया दिया है, एज ए बॉम्बू बॉम्बू है। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सीड स्पाइसेस, सीड के पत्ते के लिए, सीड वगैरह के लिए, स्पाइसेस के लिए, सीड स्पाइसेस के लिए जो रिसर्च सेंटर है वो कहाँ पे, ये आपको बताना है। 185 नंबर क्वेश्चन है, सीड स्पाइसेस ये है डुमारा अजमेर। देखो ये क्वेश्चन आप बोलोगे भैया किसी भी एग्जाम में नहीं, क्योंकि राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का एग्जाम है, इसलिए उनका अपना आया है, अपना सेंटर, मतलब उनके यहाँ राजस्थान में जो जो प्लेस है उससे आए, ये जनरल क्वेश्चन है, ये कहीं भी आ सकता है, ये कहीं भी आ सकता है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन अगर आपके आप स्टेट स्पेसिफिक एग्जाम दे रहे हो तो गेस कर सकते हो आपके स्टेट में जो हेडक्वार्टर होगा वो, लेकिन आप इंडियन स्पेसिफिक एग्जाम दे रहे हो तो इस क्वेश्चन को आप इग्नोर कर सकते हो। इंडियन इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ पे, गुरुग्राम में है, ये हम सबको पता है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ है, गुरुग्राम में। तो इतना ही रहने देता है ताकि हम जो 50 क्वेश्चन है एक वीडियो में कर सकें, ठीक है। थैंक यू सो मच। और आप ये नंबर याद रख लीजिएगा जिस पे आप मैसेज करके जान सकते हो, जानकारी प्राप्त कर सकते हो। देखो एक्चुअली बायोलॉजी का जो इसमें चैप्टर कराना था लुसेंट ऑब्जेक्टिव में, 5th चैप्टर, उसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है, क्योंकि वो मुझे थोड़ा सा डिटेल में आपको देखना पड़ रहा है, क्योंकि उसके कंटेंट अच्छे से मिल नहीं रहे हैं। तो इवन मैंने क्लास 11th के बायोलॉजी की बुक है उसमें मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट छान मारा, फिर भी कई के क्वेश्चन देख रहे हैं तो मुझे बहुत बार सर्च करना पड़ रहा है। तो लुसेंट, और मैं देखो खासकर, देखो ऐसे सब्जेक्ट है जिसपे थोड़ा कम भी बता दे, कुछ क्वेश्चन कम भी पता चले, लेकिन बायोलॉजी नहीं ज़्यादा पता चलता, इसलिए मुझे ज़्यादा बताना ही पड़ता है, ठीक है ना। तो चलिए इसमें मिलते हैं, राकेश यादव सर का केमिस्ट्री का वीडियो आ गया है, फिजिक्स का भी अभी सामने आएगा, तो मिलते हैं फिर। थैंक यू सो मच।